गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहित जांगड़ा एंड आई एम वर्किंग एज ए पी जी टी जोग्राफी इन सूरज स्कूल रेवाड़ी। एंड नाउ टूडे वी डिस्कस अबाउट द रीज़न फॉर द लैंड स्लाइड अलॉन्ग द हिमालयाज। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम बात करेंगे कि हिमालयन रीजन के अंदर जो आपका लैंड स्लाइड होता है या आपकी जो लैंड जो है या मिट्टी जो है वो नीचे गिरती है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है। सबसे पहला रीज़न है टेक्टोनिकली एक्टिव, ठीक है। ये आपके टेक्टोनिक जो प्लेट्स हैं उसका मार्जन रीजन है हिमालयन रीजन, ठीक है। और जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो मोस्टली आपकी मार्जन रीजन के ऊपर होती हैं। दूसरा है मेड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। ये सारी जो रॉक्स हैं ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं और यही वजह है कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो डिफरेंट आपके अलग अलग उसके अंदर सेडिमेंट्स होते हैं जो टूटते काफ़ी आसानी से। दूसरा स्टीप स्लोप, स्लोप स्टीप है जिसकी वजह से आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मैक्सिमम वर्क करती है। हैवी रेन, देखो हैवी रेन जब होगी तो उस सिचुएशन में आपकी रिवर वगैरह या इनके अंदर पानी इकट्ठा होगा और उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसके बाद है अनकंसोलिडेटेड मटेरियल इज फाउंड, ठीक है। आपस में जो कम्बिनेशन है मटेरियल का वो आपस में कंपोजिशन जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, लूज़ है, जिसकी वजह से भी ऐसा होता है। उसके बाद है इरोजन एंड डिपोजिशन। देखिए क्या होता है इरोजन और डिपोजिशन, ठीक है। इरोजन के अंदर आपकी कोई चीज़ टूटेगी और उसके बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा और कहीं पे जाके जहाँ पे वो मटेरियल या ये कहूँ मैं कि जो जियोमॉर्फिक एजेंट हैं वो जहाँ पे भी उसको ले जाकर छोड़ेंगे, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, डिपोजिशन। लेकिन जहाँ पे वो उसको जहाँ से लेके आए हैं, जहाँ से वो डिग्रेड कर रहे हैं किसी भी रिलीफ को, वहाँ पे वो कहलाएगा आपका इरोजन। द लैंडस्केप इज़ वर्क डाउन, वेदर इन मे नॉट बी कंडीशन फॉर द इरोजन। अच्छा, वेदरिंग मास वास्टिंग एंड इरोजन आर द डिग्रेडेशनल प्रोसेस। इट इज़ द इरोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यूस चेंज दैट अर्थ सरफेस इज अंडरगोइंग। उसके बाद है आपका, अगर मैं बात करूँ तो आपकी जो इरोजन एज वेल एज जो डिपोजिशन है उसके लिए तीन मेजर फैक्टर हैं। पहला है आपका विंड, दूसरा है रनिंग वाटर और तीसरा है ग्लेशियर, ठीक है। तीनों का एक जैसा काम है, बस इनकी जो जगह हैं वो अलग अलग हो जाती हैं, यानी कौन सी कहाँ पे काम करेगी। अगर आप विंड की बात करोगे तो ये आपकी प्रीडोमिनेंट इन द हॉट डेजर्ट रीजन के अंदर आपके काम करता हुआ मिलेगा। सैंड ड्यून्स आर कॉमन फीचर्स, एग्जांपल के तौर पर है आपका सहारा, अटाकामा, कालाहारी, एयर इज़ गैस, लिमिटेड लैंड फॉर्म्स, हाई स्पीड, ये सारी इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद है रनिंग वाटर की, फाउंड मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ वैली एंड डेल्टाज आर द कॉमन फीचर्स, ठीक है। अमेजोन, नाइल, ब्रह्मपुत्रा, वाटर इज लिक्विड रनिंग वाटर के अंदर। एक्सटेंसिव लैंडफॉर्म्स, नॉर्मल स्पीड होती है। ग्लेशियर की अगर आप बात करो तो इसके अंदर आप देखोगे फाउंड ओनली इन हाई लेटीट्यूड एंड एल्टीट्यूड। क्यों? क्योंकि नीचे तो सरफेस के ऊपर तो आपकी बर्फ जम नहीं सकती, तो वहाँ पे ग्लेशियर मूव भी नहीं कर सकते। उसके बाद है ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका, यू शेप्ड वैली एंड मोरेन्स आर द कॉमन फीचर्स। उसके बाद है ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका, इसकी मेन आपकी जो एग्जांपल हैं। ग्लेशियर इज सॉलिड, लिमिटेड लैंडफॉर्म्स हैं, वेरी स्लो मूवमेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद है इरोजन, अप्लीकेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द एजेंट ऑफ द सर्फेस ऑफ द लैंड अलॉन्ग विच इट मूव्स, इट कंप्यूटेड एट काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वी स्केयर। एम इज इक्वल टू मास, वी इज इक्वल टू वेलोसिटी, के इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब उसके बाद है सॉयल फॉर्मेशन। देखो सॉयल फॉर्मेशन के लिए आपका इरोजन जो वर्क है वो सॉयल फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये सॉयल फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए आपका जो इरोजनल वर्क है वो लगातार होते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सॉलिड इज़ अ डायनामिक मटेरियल इन विच मैनी केमिकल, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल एक्टिविटीज गो ऑन कॉन्स्टेंटली। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ डीके, इट इज़ ऑल्सो अ मीडियम ऑफ ग्रोथ, इट इज़ चेंजिंग ए डेवलपिंग बॉडी, कैरेक्टरिस्टिक्स आर चेंजिंग फ्रॉम द सीजन टू सीजन, टू कोल्ड, टू हॉट एंड ड्राई एरियाज, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज स्टॉप्स, ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज व्हेन लेवल्स, व्हेन लीव्स फॉल एंड डीकम्पोज। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ सॉयल फॉर्मेशन, ठीक है। सॉयल फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या होता है, ये कैसे होता है।
वेदरिंग इज़ द बेसिक प्रोसेस फॉर सॉयल फॉर्मेशन, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वेदरिंग से ही आपकी सॉयल फॉर्मेशन होती है, जिसके अंदर आपके जो एजेंट होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं मटेरियल का, और उसको एक जगह से दूसरी जगह पे जहाँ पे डिपोजिशन करते हैं वहाँ पे आपका सॉयल तैयार होती है। पेडोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सॉयल फॉर्मेशन, जिस साइंस के अंदर ये स्टडी की जाती है सॉयल की, उसके फीचर्स की, उसकी तैयारी की, वो आपकी पेडोलॉजी कहलाती है। और पेडोलॉजिस्ट द साइंटिस्ट ऑफ सॉयल फॉर्मेशन, जो सॉयल फॉर्मेशन की स्टडी करते हैं वो साइंटिस्ट आपके ये कहलाते हैं। उसके बाद है सॉयल फॉर्मिंग फैक्टर, सॉयल फॉर्मिंग फैक्टर कौन कौन से हैं। सबसे पहला है आपका पेरेंट मटेरियल, देखिए जो भी सॉयल के अंदर मिला हुआ है ठीक है, वो चाहे आपका ट्रांसपोर्टेटेड के थ्रू हो, थ्रू इट इट डिपेंड ऑन टेक्सचर स्ट्रक्चर केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सॉयल नेचर एंड डेप्थ ऑफ वेदरिंग, सारी चीज़ें जितनी भी उसके अंदर जो चीज़ें मिली हुई हैं वो सारे का सारा उसका पेरेंट मटेरियल कहलाता है। ये पेरेंट मटेरियल हर सॉयल का अलग अलग होता है और उस हर सॉयल के साथ ये चेंज भी हो जाता है। उसके बाद है टॉपोग्राफी, पैसिव कंट्रोल फैक्टर अमाउंट ऑफ एक्सपोजर टू द सनलाइट ड्रेन सिस्टम, स्टीप स्लोप हैव लेस डिपोजिशन एजेंट ठीक है। आपकी जो सरफेस होती है, जो टॉपोग्राफी होती है, अगर हिली रीजन है तो वहाँ पे ज़्यादा इरोजन होगा, अगर प्लेन रीजन है तो वहाँ पे कम इरोजन होगा, और जितना इरोजन ज़्यादा होगा उसी तरह से आपकी जो सॉयल है उसकी फॉर्मेशन भी अलग हो जाएगी। उसके बाद है क्लाइमेटिक, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी आपके जो सॉयल है उसकी फॉर्मेशन को काफ़ी इफेक्ट कर देते हैं। अगर आप एग्जांपल हो दुनिया के अंदर सहारा डेजर्ट, यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है, हाई टेम्परेचर होने की वजह से वेपोराइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से सॉयल जो है वो सैंडी सॉयल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद है टेम्परेचर इन टर्म ऑफ सीजनल एंड ड्यूरेशनल वेरिएशन, हाँ अलग अलग टाइम के प्रेसिपिटेशन इंक्रीज द बायोलॉजिकल एक्टिविटी, एक्सेस द वाटर हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट और डिजोल्व पार्टिकल्स टू डाउनवर्ड, मतलब आपके अगर प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगा तो उसके अंदर बायोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा होंगी, और दूसरी तरफ अगर आपकी बारिश ज़्यादा होगी तो वो आपका ट्रांसपोर्ट करेगा डिजोल्व मटेरियल का। डिपोजिशन ऑफ दीज पार्टिकल्स इज कॉल्ड इल्यूवेशन ठीक है, जो पार्टिकल इसके अंदर मिलते हैं घुलते हैं वो आपका इल्यूवेशन कहलाते हैं। रिमूव ऑफ सिलिका इज कॉल्ड डीसिलिकेशन, हैवी रेनफॉल रिमूव्स द कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम पोटेशियम अलॉन्ग विद द सिलिका, रिमूवल ऑफ सिलिका इज कॉल्ड डीसिलिकेशन, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैवी रेनफॉल है ये ख़त्म कर देती है और उसमें जो सिलिका का रिमूव होना आपका डीसिलिकेशन कहलाता है। उसके बाद है आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉयल फॉर्मेशन, हेल्प इन मॉइस्चर रिटेंशन, डेड प्लांट्स एड ह्यूमस टू द सॉयल, ह्यूमिड एरियाज द बैक्टीरिया एक्टिविटी हाइयर देन कोल्ड एरियाज, जो आपके बैक्टीरियाज जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ कहलाती हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉयल। उसके बाद है राइजोबियम इज द बैक्टीरिया फिक्स द नाइट्रोजन इन द सॉयल एंड लाइव इन द रूट्स ऑफ द लेगुमेंस प्लांट्स टेमिट्स ऑर्डेंट्स अर्थवॉर्म्स चेंज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सॉयल ठीक है। ये आपका राइजोबियम जो है वो एक फिक्स बैक्टीरिया है जो आपकी नाइट्रोजन को रूट्स के अंदर ले जाता है या वहाँ पे कन्वर्ट करता है यूज़ करने के लायक पौधों के। उसके बाद है टाइम, इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग फैक्टर टू सॉयल फॉर्मेशन, लॉन्गर टाइम थिकर ऑफ द सॉयल लेयर, नो टाइम लिमिट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सॉयल लेयर, जितना टाइम निकलता जाएगा आपकी जो थिकनेस है वो सॉयल की मोटी होती चली जाएगी, लेकिन इसके लिए कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। ओके गाइज, इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है, अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।